इज एंगुलर बेटर देन रिएक्ट? तो मुझे फर्स्ट लिंक मिला स्टैक ओवरफ्लो का, और उसमें ये इसी साल का मैं आपको बता रहा हूँ जो डेटा मुझे मिला है सेकंड क्वार्टर का, कि जो रिएक्ट लाइब्रेरी है वो 40.14% लोगों की फेवरेट है, जो डेवलपर्स कम्युनिटी है उनकी फेवरेट है, और जो एंगुलर है वो 22.96% लोगों की फेवरेट है, और जो व्यू जेएस है वो 18.97% लोगों की फेवरेट है। ये इसी साल सेकंड क्वार्टर का डेटा है जो अभी निकल के आया है। लाइब्रेरी को और अच्छे से समझाऊं मैं, मान लो मेरा इस टाइम बर्गर खाने का मन कर रहा है, मुझे क्रेविंग हो रही है बर्गर खाने की, राइट? तो या तो मैं एक रेडीमेड बर्गर मार्केट से मंगवा लूं और कुछ ना करूं, बस आ जाए और मैं खा लूं उसको, तो ये क्या है, एक बनी बनाई चीज मिल गई, राइट? सेम अब मुझे वो खुद बनाना है, तो मैं टिक्की अलग लेके आऊंगा, टमाटर अलग लेके आऊंगा, प्याज अलग लेके आऊंगा, पनीर अलग लेके आऊंगा, है ना, और उसके बाद एक बर्गर बन रहा होगा उन सभी के कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये जितनी चीजें मैं अलग अलग लेके आया हूँ, ये सब क्या है, ये सब डिपेंडेंसीज हैं। तो जब आप अपनी फ्रंट एंड की जर्नी स्टार्ट करते हैं, HTML सीखते हैं, CSS सीखते हैं, JavaScript सीखते हैं, एडवांस JavaScript सीखते हैं, राइट, फिर आपको डिसाइड करना होता है कि मैं अब कौन सा फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी सीखूं, राइट? आप रिएक्ट सीख सकते हैं, आप एंगुलर सीख सकते हैं, आप Vue.js सीख सकते हैं। फिर आते हैं कि यार डिमांड तो ज़्यादा रिएक्ट की है और मैं एंगुलर में अच्छा हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे हैंड्स ऑन भी हैं, मुझे मज़ा भी आ रहा है, बट आपको इंटरेस्ट आने के बावजूद भी आप ये देखते हैं कि यार नहीं, फिर छोड़ो एंगुलर, मैं रिएक्ट ही कर लेता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स है। तो आज इसी डाउट को मैं क्लियर करने आया हूँ। लास्ट मंथ हमने बहुत सारी वीडियोस करी फ्रंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर, मैंने अलग अलग चीज़ डिस्कस करी, और वहाँ पे जो कॉमन सवाल था कि क्या भैया रिएक्ट करूँ, एंगुलर करूँ या व्यू करूँ, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, तो आज मैं तीनों के बारे में बात करूंगा। डिमांड वाइज बात करेंगे, सैलरी वाइज बात करेंगे, जॉब्स के बारे में बात करेंगे, एक ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे कि अगर मैं इन फ्रेमवर्क लाइब्रेरी को यूज नहीं करता तो कैसे एक एप्लीकेशन क्रिएट की जाती है, और इन फ्रेमवर्क लाइब्रेरी की हमें जरूरत क्यों है आज के टाइम पे, जिस तरीके से वेब इवॉल्व हुआ है 90 से लेके अब तक। मैंने ऑलरेडी एक इस पे एक डिटेल वीडियो कवर किया है कि 90s में अगर जाएं तो वेब क्या था और आज वेब क्या है, तो इन ये जो फ्रेमवर्क लाइब्रेरी है कैसे इन्होंने वेब की दुनिया को बदल दिया। तो आज डिटेल में समझते हैं जी, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं, अभी डिसाइड करना है कि रिएक्ट करें, Vue.js करें, एंगुलर करें, ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप एक एक्सपीरियंस हैं, आप बैकएंड प्रोफाइल में हैं एंड यू आर प्लानिंग टू लर्न सम फ्रंट एंड लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, तो ये आपके लिए वीडियो हो सकता है। डाउट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और मेरा लास्ट में जो कंक्लूजन होगा वो ज़रूर सुनना, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक इमेज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी मैंने डिस्कॉर्ड पे एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे काफी सारे लोग आ चुके हैं, अगर आप नहीं हो तो वहाँ पे आ जाओ, मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ मैं बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह जो भी लोगों के डाउट्स रहते हैं हम बात करते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पे। एंड बाकी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे नहीं हो यहाँ भी आ सकते हो। तो ये सवाल जो है बिल्कुल वैलिड है जी, कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए, एंगुलर करना चाहिए, Vue.js करना चाहिए, और कई लोग तो एंगुलर में अच्छा कर रहे हैं, Vue.js में अच्छा कर रहे हैं, बट उनको रातों रात यही ओवर थिंकिंग वाली बात है, रातों रात ये सोच रहे हैं कि यार नहीं यार मुझे एंगुलर छोड़ के अब रिएक्ट कर लेना चाहिए या फिर रिएक्ट को टारगेट करना चाहिए। इस पे मैं जरूर लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा, बट सबसे पहले मैंने सवाल पूछा गूगल से कि इज एंगुलर बेटर देन रिएक्ट? तो मुझे फर्स्ट लिंक मिला स्टैक ओवरफ्लो का, और उसमें ये इसी साल का मैं आपको बता रहा हूँ जो डेटा मुझे मिला है सेकंड क्वार्टर का, कि जो रिएक्ट लाइब्रेरी है वो 40.14% लोगों की फेवरेट है, जो डेवलपर्स कम्युनिटी है उनकी फेवरेट है, और जो एंगुलर है वो 22.96% लोगों की फेवरेट है, और जो Vue.js है वो 18.97% लोगों की फेवरेट है। यही इसी साल सेकंड क्वार्टर का डेटा है जो अभी निकल के आया है। तो ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिएक्ट फेवरेट तो है, इवन मैं भी एज अ रिएक्ट डेवलपर ही काम कर रहा हूँ एडिडास में, तो रिएक्ट को समझना ज़्यादा इजी है क्योंकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, राइट? मैं आपको बताता हूँ कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क होता क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। बट उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक ट्रेडिशनल अप्रोच में, अगर मैं इन फ्रेमवर्क लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करता तो मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, राइट? तो जो भी मैं अपने JS फाइल बना रहा हूँ, जो भी HTML फाइल बना रहा हूँ, या जो मैं बैकएंड के लिए कोड लिखूंगा, वो सब मैं एक पेज पे लिख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि मेरी प्रेजेंटेशन लेयर क्या है एक टाइम के बाद। स्टार्टिंग में कोड कम रहेगा तो आप समझ जाएंगे ये मेरा फ्रंट एंड का कोड है, एक टाइम के बाद एप्लीकेशन को मैनेज करना बहुत टफ रहेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन लेयर कहाँ पे और बिजनेस लेयर कहाँ पे है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास ये फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज हैं, फिर चाहे एंगुलर हो, रिएक्ट हो और Vue.js हो, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस। अब खाली ये फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हमें परफॉर्मेंस दे तो रहे होते हैं, बट हमें एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज चाहिए होती है अपनी एप्लीकेशन को और बेटर करने के लिए, ताकि जब आप वेब पेज खोले अपने ब्राउजर पे, जब आप वेबसाइट की रिक्वेस्ट करें और वो लोड होके आए तो ज़्यादा टाइम ना ले।
तो वहाँ बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जब हम इन फ्रेमवर्क लाइब्रेरी को सीख रहे होते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, वो खराब नहीं है। आज भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे TCS है, Mindtree है, बिरला सॉफ्ट है, जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं, इंश्योरेंस डोमेन है, बैंकिंग डोमेन है, उनके प्रोजेक्ट आज भी लेगेसी एप्लीकेशन चलती आ रही हैं। कईयों ने jQuery यूज कर रखा है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन कोफोर्ज, वहाँ पे हम हमारी एक एप्लीकेशन थी वो स्टिल वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट jQuery यूज कर रहे हैं, कोई रिएक्ट एंगुलर Vue.js यूज नहीं कर रहे, राइट? बट ये कि बैकएंड में हम एक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं जो कि स्प्रिंग MVC है, तो वहां से वो चीज अचीव हो रही है कि मेरी प्रेजेंटेशन लेयर और बिजनेस लेयर अलग अलग हो गई। बट नॉर्मली अगर बात करें कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने की, तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर अलग रहे, आपका बेसिकली एक आर्किटेक्चर हम फॉलो करते हैं, MVC आर्किटेक्चर, मॉडल अलग रहे, व्यू अलग रहे, कंट्रोलर अलग रहे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क का। तो रिएक्ट क्या है? लाइब्रेरी है। एंगुलर क्या है? फ्रेमवर्क है। Vue.js क्या है? फ्रेमवर्क है, राइट? तो लाइब्रेरी होता क्या है? देखो, लाइब्रेरी इज नथिंग। आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको आप सॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्व करने के लिए आपने कुछ फंक्शंस लिखे, वही फंक्शन आपकी लाइब्रेरी है। तो रिएक्ट जो है वो आपकी एक स्मार्ट लाइब्रेरी है, और उस पर कुछ हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे आप क्लास कंपोनेंट यूज नहीं करते, फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं, हुक्स यूज करते हैं जो इटसेल्फ फंक्शंस ही हैं। तो रिएक्ट क्या है? आपकी एक लाइब्रेरी है जहां पे हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास कंपोनेंट है, राइट? अब फंक्शनल कंपोनेंट जो हम यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन, क्योंकि जो रिएक्ट है वो UI लाइब्रेरी है, राइट? वहां पे आपका कंट्रोलर मॉडल नहीं है, आप एक UI क्रिएट कर सकते हो, एक एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बना सकते हो, ठीक है? ऑल्दो हम डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडेंसीज का यूज करके हम और चीजें भी कर सकते हैं, हम नोट एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं बैकएंड बनाने के लिए, बट रिएक्ट इज पॉपुलर फॉर UI ओनली। वहां पे कोई कंट्रोलर नहीं हम क्रिएट करते, जैसे एंगुलर के अंदर एंगुलर एक फुल फ्लेज फ्रेमवर्क है जहां पे MVC आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता है, Vue.js आपका एक फुल फ्लेज फ्रेमवर्क है, राइट? अब लाइब्रेरी का मतलब क्या है? बहुत सारे फंक्शंस, बने बनाए फंक्शंस आपको मिलते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस मिलते हैं जिसे आप यूज करते हो, अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हो। सेम एंगुलर के केस में क्या है, वहाँ पे एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क है, फुल फ्लेज फ्रेमवर्क है, जहाँ पे आप मॉडल के लिए अलग मॉडल बनाओगे, आप सर्विसेज के लिए अलग सर्विसेज बनाओगे, कंट्रोलर के लिए अलग कंट्रोलर बनाओगे, कंटेनर के लिए अलग फोल्डर है, इस तरीके से पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। तो ये आपको फ्रेमवर्क में बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं कि आप फ्रेमवर्क यूज करो उसके लिए आपको अदर डिपेंडेंसीज नहीं चाहिए, आप npm पैकेज वहां भी यूज करोगे, वहां भी डिपेंडेंसी यूज करोगे, सेम Vue.js के केस में भी है, राइट? तो लाइब्रेरी को और अच्छे से समझाऊं मैं, मान लो मेरा इस टाइम बर्गर खाने का मन कर रहा है, मुझे क्रेविंग हो रही है बर्गर खाने की, राइट? तो या तो मैं एक रेडीमेड बर्गर मार्केट से मंगवा लूं और कुछ ना करूं, बस आ जाए और मैं खा लूं उसको, तो ये क्या है, एक बनी बनाई चीज मिल गई, राइट? सेम अब मुझे वो खुद बनाना है, तो मैं टिक्की अलग लेके आऊंगा, टमाटर अलग लेके आऊंगा, प्याज अलग लेके आऊंगा, पनीर अलग लेके आऊंगा, है ना? और उसके बाद एक बर्गर बन रहा होगा उन सभी के कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये जितनी चीजें मैं अलग अलग लेके आया हूँ, ये सब क्या है? ये सब डिपेंडेंसीज हैं, समझे? ये सब डिपेंडेंसीज हैं। जब मैं एप्लीकेशन क्रिएट करूंगा तो इनको इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद मेरी एप्लीकेशन तैयार हो रही होगी। ये कहीं ना कहीं हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी चीज, हम जो एक बार लिख रहे हैं उसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं। आपने एक फंक्शन बनाया, उसको आप रीयूज कर सकते हो। आप एक लार्ज एप्लीकेशन को छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर रहे होते हो। मान लीजिए आपका नेव बार है, आपका बैनर है, और आपका फुटर है, उसको आपने एक कंपोनेंट बनाया, उसको बाद में रियूज कर लिया। ये आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, फिर चाहे रिएक्ट हो, एंगुलर हो, या Vue.js हो, ठीक है? बट यस, लाइब्रेरी का मतलब समझ तुम्हें आ गया, बिकॉज फ्रेमवर्क भी एट द एंड क्या कर रहा है, इंटरनली लाइब्रेरी ही कॉल कर रहा है। आप स्क्रीन पे कुछ विजुअल्स देख रहे हो कि जो फ्रेमवर्क है आपका वो भी क्या कर रहा होता है, वो भी आपका इंटरनली जो फ्रेमवर्क है वो आपका लाइब्रेरी को ही कॉल कर रहा होता है, और उसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस लिखे होते हैं, राइट? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अब देखो Angular.js की बात करते हैं। जैसे Angular का जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 2009 में आया था, जिसे हम Angular.js बोलते थे, बट उसको इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। उसके बाद क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसके बाद हमारा Vue.js आया 2014 में, React 2013 में आया, और जो Vue.js था वो एक्स किसी गूगल ने बनाया था, और उसके बाद जब ये दोनों चीजें आई तो Angular.js लोग ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे। 16 में आपका Angular 2 आया, और उसके बाद चीजें बदली। एंगुलर 2 आने के बाद पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बदल गया, और फिर उसको Angular.js को हम एंगुलर बोलने लगे। फिर बहुत सारे वर्जन्स आए, और फिर जो वो पावरफुल चीजें लेके आया, कॉन्सेप्ट लेके आया कि आप मॉडल अलग कर सकते हो, सर्विसेज अलग बना सकते हो, राइट? मॉड्यूल्स के लिए अलग कर सकते हो। मॉड्यूल मतलब कि मॉड्यूल्स अलाउ करता है डेवलपर्स को कि आप लार्ज फाइल को स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकते हो, स्मॉल स्मॉल JS फाइल में आप डिवाइड कर सकते हो। फिर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज करके उनको यूज कर सकते हो, मतलब अक्रॉस जितनी फाइल्स हैं आपकी वो लूजली कपल रहेंगी, जब जरूरत होगी हम उसको इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, राइट? तो ये सब बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं। और अगर मैं बात करूँ क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, देखिए कॉम्पोनेंट को ब्रेक डाउन करना ताकि उसको रीयूज कर पाए, और मॉड्यूल्स आप क्रिएट करते हो, आप कोड को इजीली मैनेज कर पाते हो, इजीली समझ पाते हो एज अ डेवलपर, और बहुत सारी आपको अलग अलग डिपेंडेंसीज मिलती हैं, आप बहुत सारे एक्सटेंशन यूज करते हो VS कोड के अंदर, और जिससे आपको
पता लग रहा होता है कि हाँ इसका पर्पस क्या है, आप डॉक्यूमेंटेशन अनेबल कर सकते हो एक्सटेंशन का यूज करके, तो बहुत सारे एक्सटर्नल बेनिफिट्स आपको मिल रहे होते हैं थ्रू एक्सटेंशन, और डिपेंडेंसीज तो आप यूज कर ही रहे होते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप एंगुलर यूज करो तो आपको किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज की जरूरत नहीं है। कंपेरेटिवली अगर रिएक्ट कम है क्योंकि आपको फुल फ्लेज चीजें ऑटोमेटिकली अपनी दे रहा है, आपको स्टेट मैनेजमेंट करना है तो आप रिएक्ट के अंदर यूज करते हो रिडक्स, और अगर आप एंगुलर में हो तो आप यूज करोगे NGRX, और व्यू के अंदर आपके पास होता है Vue.x। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट मैनेजमेंट खाली रिएक्ट में ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रिडक्स को एंगुलर में यूज नहीं कर सकता, बट एंगुलर आपको देता है कि अगर आपको स्टेट मैनेजमेंट अचीव करना है तो आप NGRX यूज कर सकते हो, राइट। तो दिस इज समथिंग गाइज, और साथ ही साथ आपको बॉयलर कोड मिल रहा होता है, आपको सब कुछ स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक यूमैन लाइब्रेरी है उसका यूज करके आप सीट जनरेटर होता है, आप फ्रंट एंड की सीट जनरेट कर सकते हो, आपको बना बनाया कोड मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इवन मैं भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से हम नहीं लिख रहे कि भाई पूरी फ्रेश एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। हम सीड का यूज करते हैं, जो सीड हमें मिलती है, सीड जनरेटर है हमारा, उसको हम चलाते हैं, हमें बॉयलर कोड मिल जाता है, और ऐसी एक विट कमांड होती है VIT, उसकी हेल्प से भी आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, चाहे एंगुलर की हो, रिएक्ट की हो, व्यू की हो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक्सटेंशन हैं जिनका यूज करके एप्लीकेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव पहले देखो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इन सबका पर्पस क्या है, हम क्यों यूज करते हैं। मैं आपको और एक और चीज बताता हूँ, जैसे एंगुलर की हम बात करें, आपको पता है एंगुलर किसका है, गूगल का है, राइट। और इसमें हम टाइपस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, रिएक्ट के अंदर हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट, Vue.js के अंदर भी जावास्क्रिप्ट। अब जो एंगुलर है वो फुल फ्लेज फ्रेमवर्क है जो एक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है जो कि MVC है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ऐसी रिएक्ट जो है आपका वो रिएक्ट खाली UI के लिए, आप कॉम्पोनेंट फॉर्म में एक एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और अदर डिपेंडेंसीज का यूज करके आप उसको एक्सटर्नली सपोर्ट देके और अच्छी एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड बिलीव मी रिएक्ट को हम लाइब्रेरी जरूर बोल रहे हैं, पर रिएक्ट के साथ जब Next.js आ जाता है तो एक तगड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है और एक फुल फ्लेज फ्रेमवर्क बन जाता है। अब जो एंगुलर है गाइस वो रियल डोम पे काम करता है, और जो रिएक्ट और Vue.js है वो काम करते हैं आपके वर्चुअल डोम पे, कि जो भी चेंजेस होंगे वो एक्चुअल डोम पे चेंजेस पहले नहीं होंगे, पहले वर्चुअल डोम में होंगे, फिर आपके रिफ्लेक्ट करेंगे रियल डोम पे। तो ये हमारा रिएक्ट और व्यू के केस में ऐसा रहता है, बट एंगुलर में क्या होता है, जो भी चेंजेस आप करो एक्चुअल डोम में तुरंत रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है जी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, आई थिंक आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। देखो किसी भी एप्लीकेशन के लिए परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइदर हमें फ्रेमवर्क दे रहा होता है या फिर हम किसी एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज का यूज कर रहे होते हैं, जैसे वेबपैक है। अब वेबपैक की हेल्प से आप एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हो, जैसे आप बहुत सारी इमेजेस यूज कर रहे हो, वीडियो यूज कर रहे हो, अब वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में यूज हो रही है, राइट। अब वो बार बार लोड होंगी, टाइम लेंगी, तो उसको हम क्या करेंगे, मिनीफाई कर लेंगे CSS को, राइट, JS फाइल को मिनीफाई कर लेंगे। तो वेबपैक का काम ये होता है, आप डायनेमिक लोडिंग यूज कर सकते हो, राइट, और परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, कि जब हमें जरूरत होगी तभी हम कंपोनेंट को एक्सेस करेंगे ऑन डिमांड, जब जरूरत होगी तभी हम उसको एक्सेस करेंगे। आप CDN यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप एक एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो, जो बहुत जरूरी है, जो आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जो हम क्रिएट करते हैं वहां नहीं होती है, राइट। ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है, मैं चाहता सीधा तुम्हें बताया था ये होता है, नहीं, पहले डिटेल में समझो तो सही, तभी तो दिमाग चलेगा, वरना फिर ओवरथिंक करके सोचोगे नहीं ये नहीं करता। इन तीनों के अंदर वो सब कुछ है, ये तीनों सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो ये कर सकता है ये नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिएक्ट के अंदर ऑप्शंस काफी हैं, डिपेंडेंसी बहुत सारी हैं, रिएक्ट का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, हर कोई ना कोई ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती है, डिपेंडेंसीज मिल जाती है, इसीलिए रिएक्ट अभी पावरफुल है, बहुत ज्यादा डिमांड में है। पर ऐसा नहीं कि एंगुलर की कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, कंपैरेटिवली रिएक्ट की ज्यादा है, एंगुलर की इतनी नहीं है कंपैरेटिवली, वैसे अगर मैं कंपैरिजन करूं, बट एंगुलर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज में यूज होता है। अब क्या होता है कि हमें ये डिसाइड करना है एज ए इंडिविजुअल कि मैं एंगुलर में बहुत अच्छा हूं, बहुत कॉन्फिडेंट हूं। बिलीव मी वो कॉन्फिडेंट अगर आप होना, आपको रिएक्ट वैसे आप सीख लोगे मजे के लिए, बट आपको वैसी कंपनी से कॉल आएंगे। हर कंपनी के अंदर रिएक्ट भी है, एंगुलर भी है, Vue.js भी है, बट ये है कि फिर आपको कॉल उस हिसाब से आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि पूरा रिएक्ट ही रिएक्ट है हर जगह, ऐसा कुछ नहीं है, एंगुलर भी उतना ही यूज हो रहा है, Vue.js भी उतना ही यूज हो रहा है। अब आप खुद देखो जो नॉर्मल कंपनीज हैं, गुड़गांव में है, हैदराबाद में है, और नोएडा में है, मुंबई में है, और बैंगलोर में है, यहीं पे मेन सारे हब है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली गिनी चुनी कंपनी है, आपकी सोच से ज्यादा दुनिया में कंपनीज है यार। तो ऐसा मत सोचो कि ये बेहतर है वो बेहतर है, अगर आपका इंटरेस्ट एंगुलर में, तो किसी से ऐसे इन्फ्लुएंस मत हो कि यार वो रिएक्ट कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, नहीं। आप अगर बहुत अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, हाँ अगर आप अच्छे नहीं हैं, आप कंफ्यूज हैं, देन यू कैन गो फॉर रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट को इजीली समझना आसान है कंपैरेटिवली एंगुलर, रिएक्ट को समझना आसान है अगर हम कंपेयर करते हैं एंगुलर से, बहुत आसान है। Vue.js को भी समझना बहुत आसान है, सिंटेक्स बहुत ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी नया बंदा सीख सकता है। बट एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा है उसमें,
है ना, कंपेरेटिवली अगर मैं रिएक्ट से कंपेयर करता हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर तुम बहुत अच्छे हो किसी चीज में फिर तो कैरी ऑन करो, साथ में सीख लो लर्निंग के लिए, क्योंकि आज आप एंगलोर में काम करो, मे बी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हो आपकी कंपनी को रिएक्ट की जरूरत है, तो शायद आपको रिएक्ट सीखना पड़े। बट अगर आप जिसमें हो उसमें ही रहो, मेरे हिसाब से मैं तुम्हें कंक्लूजन भी दे रहा हूँ साथ साथ कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं लर्निंग कर्व की। एंगुलर थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, रिएक्ट कम लेगा, व्यू तो और कम लेगा। सो दिस इज हाउ एंगुलर इज ग्रेटर देन React.js, React.js is greater than Vue.js. Angular एक framework है और time taking है। React को समझना बहुत ज़्यादा आसान है और Vue.js को समझना और आसान है। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं जो jobs की। तो no doubt यार market में jobs तीनों के अंदर है, मैं तुम्हें खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा। और अगर आप pure एक front end developer हैं और Angular में अच्छा कर रहे हैं, confident हो आप, तो आप इसी में ही कैरी ऑन करो। और अगर जरूरत पड़ती है तो आप रिएक्ट और व्यू सीख सकते हो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, ओवरथिंक मत करो, ठीक है? क्योंकि मार्केट में जॉब्स हैं कंपेरेटिवली, ठीक है अभी रिएक्ट लोग ज्यादा मांग रहे हैं बिकॉज रिएक्ट का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। अभी मैंने आपको बताया स्टैक ओवरफ्लो का भी रेशो, बट अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप रिएक्ट सीख सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं एंगुलर में अच्छा कर रहे हैं तो आप उसमें ही स्विच मारिए, क्योंकि एट द एंड आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। क्योंकि रिएक्ट एक्सपीरियंस होगा नहीं, एंगुलर का होगा, तो उस केस में आपको ज्यादा चांसेस है आप ये बोल सकते हो कि मुझे रिएक्ट भी आता है, जस्ट वो शो किया तौर पे कि मैंने कर रखा है, तो जरूरत होगी तो आपको यूज कर लेंगे। क्योंकि एक्सपीरियंस वाले बंदे के केस में बड़ा क्लियर है कि एक्सपीरियंस जिसमें दिखेगा उसमें ही होगा। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं ITC में था, मेरा रिएक्ट का एक्सपीरियंस था, एंगुलर का नहीं था। तो जब मैं क्लाइंट इंटरव्यू के लिए गया तो उन्होंने मना कर दिया, बोलते मैंने एंगुलर पे काफी अच्छा प्रोजेक्ट ही बनाया ऑफिस में ही जब प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू होना था, बट उन्होंने मना कर दिया कि हमें रिएक्ट नहीं चाहिए, हमें एंगुलर का बंदा चाहिए जो एक्सपीरियंस हो। डिमांड जो है वो आप लोग बनाओगे, आपके स्किल्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस, वो आपकी डिमांड क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली, आपको वैसे कॉल्स आएंगे सामने से। और ज्यादातर केस में 90% जो जनता फंसती है ओवर थिंकिंग करके, किसी से इन्फ्लुएंस होके, वो नहीं करना है, अपना ब्रेन यूज करना है। सबकी जर्नी एक्सपीरियंसेस अलग अलग है यार, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो मैं तुम्हें को रोक नहीं सकता। अब सैलरी की बात करूं तो देखो यार सैलरी का जो स्टार्टिंग रहता है, मैं बहुत बेसिक लेके चलूंगा, एक जेनरिक लेके चलूंगा, 4 लाख से लेके 6 लाख एज अ फ्रेशर आपको जॉब मिल रही होती है, फिर चाहे आप रिएक्ट कर लो, एंगुलर कर लो, व्यू कर लो, ठीक है? और बाकी डिपेंड आप किस कंपनी को फोड़ रहे हो, किस कंपनी को टारगेट कर रहे हो। इफ इट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी शायद वो फिगर्स बहुत ज्यादा अलग हो सकती हैं, आप एज एक्सपीरियंस जा रहे हो तो वो तो फिर मतलब कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, कोई नंबर ही नहीं है, फिर तो आप किसी नंबर तक भी जा सकते हो। बट एज अ फ्रेशर 4 लाख से 6 लाख 7 लाख आपको एज अ फ्रेशर मिल रही होती है, चाहे आप रिएक्ट में जाओ, एंगुलर में जाओ, Vue.js में जाओ, ठीक है? डिपेंड ऑन कंपनी रेपुटेशन भी, कंपनी की रेपुटेशन भी डिपेंड करता है। अब आप ऐसी कंपनी में जा रहे हो जो एकदम ऐसा स्टार्टअप है जो इतना अभी एस्टेब्लिश नहीं है, तो आपको बहुत कम दे, शायद वो लोग 15,000 में भी एज अ रिएक्ट डेवलपर काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है आपको किस कंपनी को टारगेट करना है, ठीक है? तो मैं इन शॉर्ट आपको यही कहूंगा, अगर मैं कंक्लूड करूं इस वीडियो को, मैंने इसमें हर तरीके से बात करी, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच बताई, आपको रिएक्ट के बारे में बताया, Vue.js के बारे में बताया, एंगुलर के बारे में बताया डिटेल में, राइट? अब आपको ये डिसाइड करना है, किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम अच्छे से करो। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ मार्केट से आउटडेटेड नहीं होती है। आज भी C++ यूज़ हो रही है बहुत सारी कंपनीज के अंदर, तो क्या C++ लोग यूज़ नहीं करते? करते हैं। उसके लिए डेवलपर्स चाहिए जो मिल रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। गूगल में एक बंदा काम करता है C++ पे काम कर रहा है वो अभी भी, राइट? माइक्रोसॉफ्ट में एक बंदा काम कर रहा है C# पे काम कर रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जिसमें अच्छे हैं उसमें कीजिए, ये मत सोचिए कि एंगुलर और Vue.js की अब डिमांड नहीं है, खाली रिएक्ट की है। आप Vue.js में अच्छे हो तो बहुत स्कोप है Vue.js में, आपको फिर कॉल्स वैसे आएंगे, उन्हीं कंपनीज को आप टारगेट करोगे, फिर आपको लगता है कि हाँ यार Vue.js में बहुत कर लिया है, अब कुछ और ट्राई करते हैं, देन यू कैन लर्न ना, पहले एक चीज में अच्छा कर लो। अब YouTube पे मैं भी एक यूट्यूबर हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, मुझे समटाइम आई फील कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे जब बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आप किस में अच्छे हो उसमें ही कैरी ऑन करो। एक में अच्छा कर लो, उसके बाद तो तुम किसी और दूसरी लाइब्रेरी को इजीली सीख लोगे, किसी दूसरे फ्रेमवर्क को आप इजीली सीख सकते हो, ठीक है? सो आई होप गाइस आपने इस वीडियो ने आपको बहुत क्लैरिटी दी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन दोस्तों को जो बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, थोड़े परेशान हैं, ठीक है? एंड मिलता हूँ किसी और वीडियो में, टिल देन ध्यान रखिए अपना, लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। बाकी डिस्कॉर्ड में आ जाओ, बाकी जो सोशल मीडिया आइकन देख रहे हो यहाँ भी आ जाओ, करते हैं बात फिर, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।